ये ही मुक्ति के मार्ग हैं। इनका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, एक परमार्थ से और दूसरा व्यवहार से। परमार्थ से तो समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा की रुचि ही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र है। यह तो परमार्थ की बात है। फिर दौलत राम जी ने कहा, व्यवहार से जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा करना तो व्यवहार सम्यक दर्शन। यद्यपि उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया, तत्वार्थ श्रद्धानम। तो फिर वो निश्चय बताया कि व्यवहार बताया? ऐसी चर्चाएं मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी बहुत विस्तार से की है। तो समाधान क्या किया यहाँ पर कि भाई सात तत्व की श्रद्धा जो है वो भेद रूप है ना, विकल्प रूप श्रद्धा, इसलिए व्यवहार कहा है। भेद पड़ा ना हमारे ज्ञान में। देखिए, जब तक विकल्प है तब तक निर्विकल्प अनुभव नहीं है। निर्विकल्प आत्मा के अनुभव के लिए समस्त भेदों से निवृत्ति हो, विकल्पों से निवृत्ति हो। ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रम और बंध दुखकारी है, करने योग्य नहीं है। संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है। इस तरह सात तत्वों के संदर्भ में जो विकल्प खड़े हुए इन्हें कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। ये विधि जो सर्धा तत्वन की सो संकित व्यवहारी। ये दौलत राम जी कहते हैं इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा करने वाला है वो व्यवहार सम्यक भी है, उसे व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं। अवेद श्रद्धा में तो वो जो नव तत्वों में व्याप्त एक आत्म ज्योति, उसी का नाम, उसी का श्रद्धान वो अभेद है, वो निश्चय सम्यक दर्शन। समय सार आत्मख्याति टीका में की ना अमृतचंद्राचार्य देव ने भी चर्चा। देखिए आप, फिर इन्होंने कहा कि साहब ये जो भेद रूप श्रद्धा है ये व्यवहार है, कोई बात नहीं। जब तक व्यवहार से जानेंगे नहीं तब तक उसका अनुभव कैसे होगा?
व्यवहार की बात किसी भी विषय को समझने के लिए और निश्चय की बात श्रद्धा करने के लिए, भरोसे के लिए, समझ आने के लिए। तो अभी हम पहले समझे तो सही जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, इनका स्वरूप क्या है, जीव अजीव आदि का। ये कह रहे हैं जीव तीन प्रकार के हैं, जो अपन ने कल चौथे छंद तक चर्चा कर ली थी। चौथे छंद में क्या बात कही गई, जीव तीन प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वास्तव में यहाँ जो जीव शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये जीव शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में, आत्मा और जीव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, देखिए जीव के जब भेद पूछे जाते हैं कहीं भी, तो कहा जाता है संसारी और मुक्ताश्च, संसारी और मुक्ति। जीव के जब भेद पूछेंगे तो ऐसे भेद नहीं, त्रस्त स्थावर, ये सब जीव के भेद है। और जब आत्मा के भेद पूछे जाते हैं तो कहा जाता है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो फिर एक शंका खड़ी होती है कि यहां जीव के भेद बतलाते हुए ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? संसारी का मुक्ताश्च, ऐसे जीव के दो भेद कैसे? जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। ये कह रहे हैं जीव तीन प्रकार के हैं, जीव त्रिधा है। देखिए ऐसा है, ये तत्व की चर्चा चल रही है, ये तत्व की व्याख्या चल रही है। जब जीव द्रव्य की व्याख्या करेंगे उसमें जीव सामान्य लिया जाता है, और जहां तत्व की बात होती है वहां आत्मा की चर्चा होती है। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या फर्क है? जीव द्रव्य, जीव सामान्य, वो जीव द्रव्य है, और जीव तत्व अपना आत्मा, वो जीव तत्व है। लेकिन मैं अंतर बतलाता हूं आपको, आप तत्व की परिभाषा समझिए। तत्व किसे कहते हैं? जिसके या जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सच्चे सुख की प्राप्ति न हो, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ये परिभाषा है प्रयोजन भूत तत्व के संदर्भ में। ये जो सात तत्व कहे, तत्व सात नहीं होते, तत्व तो अनंत है, सत्य भाव तत्व, तो फिर सात ही क्यों कहे? कि ये सात प्रयोजन भूत तत्व है। ख्याल नहीं बात, तत्व कितने हैं? तत्व तो भूत है, हर वस्तु का अपना अपना तत्व है। मिश्री में अपना तत्व है, नमक का अपना तत्व है। तत्व मतलब उसका मूल भाव, तत्व भाव तत्व। जिस किसी वस्तु की चर्चा चल रही हो उसके मूल भाव को उसका तत्व कहते हैं। कहते हैं जैसे दूध में से घी निकाल लो, वो तत्व निकल गया उसमें से, मूल तत्व निकल गया उसमें से, सार। तो अब जिन तत्वों की यहाँ चर्चा चलती है, इसलिए जब भी कोई तत्व की चर्चा चले और तत्व सात कहे गए हो तो समझ लेना प्रयोजन भूत तत्व की चर्चा है। प्रयोजन भूत तत्व का मतलब जिनसे जीव का प्रयोजन सिद्ध होता हो उसका नाम प्रयोजन भूत तत्व, जिनसे अपना काम होता हो वो प्रयोजन भूत तत्व है, जिनसे अपना काम ही नहीं होता हो वो प्रयोजन भूत कहते होंगे। अब हम ये कह रहे हैं जीव तत्व, तो कौन से जीव से अपना प्रयोजन सिद्ध होगा? वो जीव तत्व। दुनिया में अनंत जीव है, अपना प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? तो वो जीव तत्व नहीं है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? दुनिया में अनंत जीव है, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े मेकेंद्रीय निकलत्र है, देव नारकी मनुष्य त्रे, कितने जीव है दुनिया में, अनंत जीव है। लेकिन उन अनंत जीवों को जानने से मेरा दुख दूर नहीं होगा, मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वे जगत के अनंत जीव मेरे लिए प्रयोजन भूत तत्व नहीं है। तो फिर मेरे लिए प्रयोजन भूत तत्व कौन सा है? कि देह देवल में जो विराजमान है वो जीव, वो मेरे लिए प्रयोजनभूत है। इसलिए देह के भीतर विराजमान जो जीव है उसके लिए आचार्यों ने जीव तत्व का प्रयोग किया है, और बाकी के जीवों के लिए जीव द्रव्य का प्रयोग किया है। द्रव्य जो है ये कॉमन शब्द है, जीव द्रव्य समूहवाची शब्द है, जातिवाचक शब्द है। माने देखिए, ना तो तत्व ही साथ होते हैं,
और न द्रव्य ही छह होते हैं। रजे हो गया, द्रव्य भी छह नहीं है, क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ, द्रव्य छह नहीं है, छह जाति के द्रव्यों की जाति छह है। एक जीव जाति का द्रव्य है, एक पुद्गल जाति के द्रव्य है, धर्म जाति, अधर्म जाति, आकाश जाति और काल जाति, ये छह अलग अलग जाति है। जीव ही अनंत है, जीव द्रव्य कितने हैं? वे अनंत। तो फिर द्रव्य छह कैसे होंगे? जाति अपेक्षा से पुद्गल जीव से भी अनंत बने हैं। पुद्गल अनंत का अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, कालान असंख्यात है, असंख्यात बिल्कुल नक्की है। मन में आए या अनंत लगा दो, मन में आए या असंख्यात कह दो, ऐसा नहीं चलेगा। असंख्यात है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु व्याप्त है। द्रव्य संग्रह के अंदर निमिचंद्राचार्य कहते हैं रायणा नम राशि इव, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, रत्नों की राशि के समान। रत्न राशि का प्रयोग इसलिए किया कि रत्न एक के ऊपर एक नहीं होते, ऐसे बिखरे हुए प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। खैर मुझे क्या समझाना है यहाँ, जीव द्रव्य और जीव तत्व। तो जब जीव तत्व का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ है आत्मा। एक दिन ऐसा भी पूछा था उसने, अपनी हुई थी चर्चा, उसके बाद में भी दोबारा की थी, जीव और आत्मा इन दोनों में क्या अंतर है? साहब जीव और आत्मा में तो कोई अंतर नहीं है, वस्तुतः तो दोनों वही चैतन्य शक्ति वाले हैं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाले हैं। जीव कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। किंतु आत्म कहने से आत्मपना, अपनापना, नजदीकी, ये आत्मा शब्द में जो नजदीकी है, जीव शब्द कहने से वो नजदीकी नहीं है। क्या आत्मा शब्द अत्यंत निकटता का, प्रीति का सूचक, ये मतलब अपनेपन का सूचक है। आत्म, आत्म बुद्धि, अपनेपन की बुद्धि, आत्म अपनापन, आत्मा, चल जा रही है बस। इसके संबंध में तो उसी दिन वाला प्रवचन सुनना पड़ेगा, फिर विस्तार से जो और कुछ पॉइंट आए होंगे तो ये मूल बात थी, है ना। आत्मा, मैं आत्मा हूं कि जीव हूं, जीव भी कह दो, लेकिन जीव में अपनेपन की कल्पना, उसका नाम आत्मा। अब लेकिन जो आत्मा है, अभी ये जीव तत्व की व्याख्या करनी है इनको यहाँ पर, तो क्या आत्मा शब्द की व्याख्या के आत्मा के तीन रूप दिखाई देते हैं। आत्मा इस दुनिया में तीन रूपों में दिखाई देता है। किन किन तीन रूपों में दिखाई देता है? आत्मा का सबसे पहला अनादिकालीन एक रूप है जिसे बहिरात्मा कहा गया है। एक ऐसा रूप है आत्मा का, वो कौन है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। सबसे पहला बता दिया है इन्होंने, देह और आत्मा को एक मानने वाला, ये पहले लेवल का व्यक्ति जीव आत्मा, फर्स्ट लेवल, अनादि काल से शरीर और आत्मा को एक ही मानता आ रहा है, यही मैं हूं। बोलो कभी ऐसी अनुभूति होती है क्या चलते हुए कि नहीं मैं पैर से नहीं चलता, मैं पैर से चलने वाला नहीं हूं, मैं आंख से देखने वाला नहीं हूं, मैं कान से सुनने वाला नहीं हूं। हमारी निरंतर 24 घंटे जैसा अनुभव हमारे लाइफ में चल रहा है, वो देह में ऐसे तादात में और एकमेक होकर के हमारी प्रवृत्ति अनुभव चलता है कि शरीर और मैं एक ही हूं, मन दो है ही नहीं, हमें वो द्वैत ही नहीं दिखाई देता शरीर और आत्मा का। तो जिन्हें शरीर और आत्मा का द्वैत दिखाई नहीं देता वे बहिरात्मा है। ठीक है, दौलत राम जी ने क्या कहा, देह जीव को एक गिने, एक गिने मतलब दो है ही नहीं, शरीर और आत्मा हमें दो नहीं दिखाई दे रहे, मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ऐसा दो पना जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वे है बहिरात्मा। इनके लिए गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि है, पहला गुणस्थान है। अनादिकाल से धारा प्रवाह रूप से चल रही है, बार बार में कहना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, रटना नहीं पड़ता,
ये अंदर में धारा प्रवाह रूप से एक में हूँ, ये जो नहीं गोरा काला मोटा पतला कितना ध्यान रखता है शरीर का। कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए विद्वानों ने, माने यदि उसके शतांश भी अपने स्वरूप का ध्यान रखे तो इसका आत्मकल्याण कल्याण हो जाए इसका। जितना ध्यान शरीर का रखते हैं, जितना शरीर को संभालते हैं, उसका शतांश भी सौवां हिस्सा भी यदि अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करें, उसमें प्रीति करें, उसमें अपनापन होवे, तो समझ लो काम हो गया, कल्याण हो गया इसका। कितना सा काम बोलो, दिन रात सुबह उठने से लेकर के, इसीलिए तो उन्होंने ज्वल जी साहब ने पूजन में लिख दिया, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का, इस चेतन का उस अत्यंत अशुचि काया से अत्यंत सगा नाता, सगा नाता बैरात्मा की चर्चा चल रही है ना, उसका सगा नाता, और उससे कैसा नाता, जो अंतरात्मा हो गया, जो ऐसा विचार कर रहा है कि शरीर से मेरा क्या नाता, इससे मेरा क्या संबंध है, जो भिन्न अनुभव कर रहा है, बोले वो तो अंतरात्मा हो गया है। और जो ये कह रहा है कि क्या बात कर रहे हो, ये तो मैं ही हूँ, मैं मर जाऊंगा, देखो कोई मुझे मार नहीं दे रहे, संभल करके रहना चाहिए, नहीं नहीं थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए, सब शरीर का ध्यान तो रखना ही चाहिए, नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा काम। मैंने ऐसा विचार करने वाला, ऐसा चिंतन करने वाला वो है बहिरात्मा, बाहर में आत्मा, बहिर मतलब बाहर, आत्मा मैं आत्मा का अर्थ लगाओ कोई मैं पन्ने की कल्पना, उसका नाम आत्मा। तो बाहर में जिसके अपनेपन की कल्पना है, बाहर में जिसके मैं पने की मान्यता है, उसका नाम है बहिरात्मा, बहिरात्मा है। कि अंतर में जैसे आत्मा दिखा हो वो है अंतरात्मा, जो आत्मा को बाहर में तलाशते हो ये बहिरात्मा, और जिनको आत्मा अंदर में मिल गया हो ये अंतरात्मा। ऐसे अंतरात्मा तीन प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, तीन प्रकार हुए, तीनों ज्ञानी है, अंतरात्मा है। कौन कौन से, कितना सरल नाम कह दिए, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, और उनमें से त्रिविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ज्ञानी। उनमें से उत्तम अंतरात्मा कौन है, द्विविध संग के बिना है, दो प्रकार के संग से रहित है, संग माने परिग्रह, अंतरंग परिग्रह से रहित है और बहिरंग परिग्रह से रहित है, और शुद्ध उपयोगी है, शर्त लगा दी है, शुद्ध उपयोगी माने सप्तम गुणस्थान, छठवां गुणस्थान शुभोपयोगी का, सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोगी का, आठवां गुणस्थान शुद्धोपयोगी का, तो सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां ये सब शुद्धोपयोगी के गुणस्थान है, सबके सब उत्तम है, उत्तम अवस्था है उनकी, उत्तम अंतरात्मा है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ज्ञानी। और मध्यम कौन है, मध्यम अंतर आत्म है जे। नहीं लेकिन अभी तो अपने को पढ़ना है ना इसको, इसका अन्वयार्थ अभी पढ़ना है, अन्वयार्थ पढ़ लिया था क्या, नहीं पढ़ा था, देखो आप पेज नंबर 46 पे देखो आप, फिर पढ़ेंगे अपन आगे, मैं ब्रैकेट वाले तो पढ़ूंगा नहीं शब्द, है ना, सीधा सीधा सा अपन तो अर्थ पढ़ते हैं सरल अर्थ, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार जीव तीन प्रकार के हैं, उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वे बहिरात्मा है। क्या पता साहब कौन होंगे शरीर आत्मा को एक मानने वाले, आप मानते हो क्या ऐसा शरीर आत्मा को, नहीं नहीं मैं कैसे मानता हूँ, मैं तो शरीर आत्मा को अलग अलग ही मानता हूँ, कितने साल हो गए, कोई नई बात है क्या, आप ये आज बता रहे हो शरीर आत्मा के अलग अलग पने की बात, हम तो पिछले 30 साल से 40 साल से जानते हैं, नहीं नहीं अलग अलग,
हम पिछले 40 साल से ये बात जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। 50 साल से 70 साल से इस बात को जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप 70 साल से शरीर और आत्मा को अलग अलग जानते हो, लेकिन अनादि काल से शरीर और आत्मा को एक ही मानते हो। मानते क्या हो? श्रद्धा कैसी कैसी है? अनादि काल से अनंत काल बीत गया क्या करते हुए शरीर और आत्मा को एक मानते हुए? फिर अभी अभी जानने से कितने टके बचते हैं? मतलब क्या होगा इस जानने से? क्या होता है जान लो, मान्यता में तो वो बैठा है ना अंदर में। ऊपर ऊपर से जानने से क्या होगा? ये तो मायाचारी ऐसी जैसा दिखती है, ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए बोलता है, आलमानुसार बोलता है, शास्त्रानुसार बोलता है, देखा देखी बोलता है। क्या करें साहब, ज्ञानियों ने यही कहा, हाँ साहब कहा तो ऐसा ही, हमें भी पता भरोसा लगता तो नहीं है, लेकिन अलग अलग अभी कहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। शास्त्र की बात है, झूठा भी कैसे कहे? बात तो सही होगी लेकिन पता नहीं भैया। अपन तो अब कह ठीक है, यहाँ की बात यही है, अपन तो खाओ पियो मौज करो और क्या। मिथ्यात्व की जड़ें हिल जाएगी, मान्यता बदल गई, माने मिथ्यात्व चला गया, अभिप्राय बदल गया। देखो उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वे बहिरात्मा हैं, और वे बहिरात्मा यथार्थ तत्वों से अजान। कैसे हैं? यथार्थ तत्वों से अजान, अर्थात तत्व मूल मिथ्या दृष्टि है। ये बात हो गई बहिरात्मा के संदर्भ में। तत्व मूल है, अजान है, खबर नहीं है उनके विचारों को। उन बहिरात्माओं को अपने बारे में खबर नहीं है, जानते ही नहीं मैं हूं कौन। वो जानते गलत फहमी हो रही है, धोखे में जी रहे, अज्ञानता में जी रहे, तत्व से मूल है, न शरीर का स्वरूप जानते हैं न आत्मा का स्वरूप जानते हैं। और आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर यथार्थ निश्चय करने वाले अंतरात्मा कहलाते हैं। वे उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन प्रकार के हैं। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग ऐसे दो प्रकार के परिग्रह रहित, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह 10 हैं और अंतरंग परिग्रह 14 हैं। तो हाँ, परिग्रह 24 भेद त्याग करे अपने राज्य की। तो 10 जो बहिरंग परिग्रह हैं अकेले उनकी त्याग की बात नहीं है, अंतरंग 14 परिग्रहों का त्याग या अंतरंग परिग्रहों का त्याग महत्वपूर्ण है। तो दो प्रकार के परिग्रह रहित शुद्ध उपयोगी निज ध्यानी आत्म ध्यानी मुनि माने दिगंबर मुनि। मुनि का अर्थ भी क्या है? मुनि का अर्थ दिगंबर मुनि कौन है? उत्तम अंतरात्मा है। ये उत्तम अंतरात्मा हो गए, भावार्थ देखिए। यही बात कही अपन छंद में ही कर चुके हैं वो सारी बात। जीव माने आत्मा तीन प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं, वे तत्व मूल मिथ्या दृष्टि हैं। जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं वे अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि है। अंतरात्मा के तीन भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। उत्तम अंतरात्मा कौन है? आत्म ध्यानी और शुद्ध उपयोगी। इसका मतलब शुभ उपयोग में आवे तो वे उत्तम नहीं रहे, वे मध्यम हो गए, शुभ उपयोग में आते। जब शुद्ध उपयोग में रहेंगे माने अपने में जब लीनता होगी, और अपने में लीनता का नाम उत्तम अंतरात्मा नहीं, अपने में लीनता और अवस्था मुनि। अपने में लीनता का अर्थ भी दो शब्दों के प्रयोग किए हैं, बहुत एक एक शब्द अपनी जगह बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, सबका अपना अपना महत्व है।
माने इनमें से एक भी शब्द को आपने हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो विविध संग के बिना यदि अपन लेंगे, यदि इसको हटा दो किताब अंतरंग बहिरंग परिग्रह रहित की बात क्यों करते हो, अकेले शुद्ध उपयोगी की बात करो ना। तो शुद्ध उपयोगी की बात करोगे तो चौथे गृहस्थ को भी आपको उत्तम अंतरात्मा मानना पड़ेगा। इसलिए तो प्रयोग किया विविध संग के बिना होना चाहिए, माने परिग्रह रहित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन परिग्रह रहित तो है लेकिन शुद्ध उपयोगी नहीं होगा तो भी नहीं होगा उत्तम अंतरात्मा। इसलिए शुद्ध उपयोगी होना भी जरूरी है, क्योंकि जो द्विविध संग के बिना दिखाई देते हैं ऐसे छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज शुभ उपयोगी मुनिराज जो उत्तम अंतरात्मा नहीं है, छठवें गुणस्थानवर्तियों से भिन्न करने के लिए शुद्ध उपयोगी शब्द का प्रयोग किया। तो फिर ठीक है, फिर तो बात हो गई ना, शुद्ध उपयोगी भी हो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित भी हो उनको उत्तम अंतरात्मा मान लो। कि नहीं नहीं, मात्र इतनी बात कहूंगी तो परमात्मा भी उसी में अंतरात्मा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वे भी दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित भी हैं और शुद्ध उपयोगी भी। अनंत परमात्मा दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित भी है और शुद्ध उपयोगी भी, इसलिए मुनि शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ रही है क्या जरूरत है, एक को भी हटा दो, मुनि हटा दो तो अनंत भगवान उत्तम अंतरात्मा हो जाएंगे। एकदम मुनि रहने दो कभी छठवें गुणस्थानवर्ती, ये शुद्ध उपयोगी हटा दो तो छठवें गुणस्थानवर्ती हो जाएंगे उत्तम अंतरात्मा। फिर आप अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रही हटा दो तो चौथे गुणस्थान वाले भी शुद्ध उपयोगी है, मुनि नहीं है। सब बातें लागू होगी एक साथ। उत्तम ध्यान की अवस्था हो, ध्यान की अवस्था में हो क्या हैं। कब किया आपने प्रश्न किया नहीं, आपके मन में उठ के रह गए थे। अच्छा ध्यान नहीं दिया होगा, ये विशेष बात है। मतलब ये इसके संदर्भ में अपन आगे बढ़ गए थे फिर वापस ध्यान में आगे लाई। माने क्या है, मुनिराज होवे, शुद्धोपयोगी होवे, सकल परिग्रह से रहित होवे और अपने आत्मा के ध्यान रूप या अपने आत्मा में लीनता रूप उनकी वर्तमान अवस्था होवे, ऐसी अवस्थाओं से युक्त जो जीव है उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। माने अंतरात्माओं में जो श्रेष्ठ हैं इनके लिए यदि विशेष बात कही जाए तो ये कही जा सकती है कि ये उत्तम अंतरात्मा अब परमात्मा बनने वाले हैं। कौन है उत्तम अंतरात्मा, माने परमात्मा से एक पीढ़ी नीचे छलांग लगाई और परमात्मा बन गए, एक कदम आगे बढ़कर के जो परमात्मा बनने वाले हैं। देखिए नीचे देख रहे थे अपन तो भावार्थ में पढ़ दिया ना, भावार्थ भी तो पूरा सातवें से लेकर बारहवें गुणस्थान तक वर्तते हुए, बारहवें ग्यारहवें गुणस्थान से जाकर के वापस नीचे गिर जाए और छठवें में आ जाए और नीचे उतर जाए तो ये उत्तम नहीं, अब नहीं सीट पर है तभी चलेगी। सीट से उतर गए अपन पूछता है तो उत्तम कब तक है, जब तक शुद्ध उपयोग अवस्था है तब तक उत्तम, कि शुद्ध उपयोग से बाहर आ गए अब उत्तम नहीं रहे, अब वो बात नहीं, अब वो पहले जैसी बात नहीं है, बदल गए, क्षण क्षण बदलती अवस्था है। वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम, दिगंबर मुनि ये और शब्द इसलिए लगा दिया दिगंबर मुनि क्योंकि एक और समकालीन या समधारा चलती हुई परंपरा ऐसी है जो कपड़े पहने हुए मुनि को भी छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती या सातवें से बारहवें गुणस्थानवर्ती मान लेती है। श्वेत वस्त्रधारी श्वेतांबर परंपरा ऐसा मान लिया जाता है कि कपड़े कोई बात नहीं, उससे क्या होता है अंदर में कषायों का अभाव हो गया है, शुद्ध भी हो गया अंदर में, मुनि है कैसे हो सकते हैं, हमसे पूछो। हम तो कह रहे हैं नहीं हो सकते, हम ही कह रहे हैं नहीं हो सकते, जैसा आप कह रहे हो कैसे हो सकते हैं नहीं हो सकते, ऐसे हम भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। अब मैं कैसे सिद्ध करूँ कि कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते तो सिद्ध कैसे करूँ। मोक्ष भी मानते हैं परिग्रह,
हाँ वह आत्मा का ध्यान करो, ऐसी बात करते हैं। खैर जी, इसलिए दिगंबर मुनि की बात है भैया, इसलिए द्विविध संग बिन शब्द का प्रयोग किया, ये भी कितना महत्वपूर्ण है कि साहब ये संग बिन इतना सा कह देते, द्विविध शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अकेला परिग्रह बिन शुद्ध उपयोगी ऐसा कह देते, द्विविध संग शब्द का प्रयोग क्यों किया है? इसलिए किया है भाई साहब द्विविध संग का प्रयोग कि दुनिया में दो तरह के अज्ञानता व्याप्त दिखाई देती है, हम दोनों प्रकार के अज्ञानियों से आपका परिचय कराते हैं। पहले प्रकार के अज्ञानी तो वे हैं जो बाहरी परिग्रह का त्याग करके ऐसा समझते हैं कि हम परिग्रह रहित हो गए, बाहर में हो गए नग्न, बाहर में नग्न होने से थोड़ी ना हो जाते हैं परिग्रह रहित, तो वो ऐसा समझते हैं कि बाहर में हमने सब छोड़ दिया अब परिग्रह रहित हो गए हम, तो कहते हैं आप सिंगल परिग्रह रहित हो, या द्विविध परिग्रह रहित की बात चलती है, अंतरंग परिग्रह। और दूसरी जिस धारा की मैं भी बात कर रहा हूं वो ये कहते हैं तन के ऊपर कपड़े हो तो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतरंग परिग्रह से रहित हो जाते हैं, हो जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप, बाहर में एक दुपट्टा ओढ़ रखा है हमने, कोई बात नहीं है, एक ही दुपट्टा तो है, लेकिन अंदर में राग द्वेष कषायें काम क्रोध आदि को जीत लिया, बन गए परमात्मा, हमें क्या फर्क पड़ता है बाहर में कपड़ा ऊपर हो तो, तन पे कपड़ा होने से कोई परिग्रह थोड़ी ना हो जाएगा, परिग्रह तो अंदर की ममत्व का नाम है। इस तरह की आध्यात्मिक बात के आधार पर बाहरी जीवों को लपेटने वाले वाक जाल में, तो बहिरंग परिग्रह से रहित नहीं हुए और अंतरंग से रहित होने की बातें करे कहते ऐसा भी नहीं चलेगा, अंतरंग भी नहीं हो गए और बहिरंग भी न हो गए और शुद्धोपयोगी हो गए और आत्मलीनता की अवस्था हो गए तो उत्तम अंतरात्मा है। वही व्यक्ति उपदेश देते हुए ये बात कहे, जानते क्या हो तुम उत्तम अंतरात्मा हूं मैं, उपदेश देते हुए उत्तम अंतरात्मा तुम्हें पता ही नहीं, आत्मलीन रहते तब उत्तम अंतरात्मा होते, चलते चलते उत्तम अंतरात्मा नहीं होते, बोलते बोलते उत्तम अंतरात्मा नहीं होते, जब उपयोग समस्त बाह्य पदार्थों से हटकर अपने स्वरूप में लीन होता है, मग्न होता है, तो वो अवस्था उत्तम अंतरात्मा की अवस्था कहलाती है। इस तरह से अपन ने उत्तम की बात पढ़ी है, अब आगे पढ़ते हैं अपन, कौन सा मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल ठीक है, काम करते हैं मध्यम अंतर आत्मारी जगन करो शिव मधारी सकल निकल परमात्म देवारी क्या गजब बातें कही है, ऊपर चित्र दे दिया है जीव के भेद प्रभेद और भेद और उपभेद बतलाने वाला, बहुत सुंदर चित्र दिया है, इसके अंदर पूरा सब स्वरूप ख्याल में आ जाता है, एक परमात्मा ठीक है ना, दूसरा देखिए बीच में तो दिया है आत्मा, बीच में आत्मा दिख रहा है, आत्मा लिखा हुआ चश्मा लगाना पड़ेगा, फिर आत्मा के तीन भेद, परमात्मा अंतरात्मा और बहिरात्मा, ठीक है, सिर्फ परमात्मा के जो भेद हैं वो दो भेद किए हैं, एक सकल माने अरिहंत बाह्य परिकर सहित दिखाई दे रहे हैं, छत्र चमर भामंडल आदि दिखाई दे रहे हैं, कमल से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये परमात्मा है सकल शरीर सहित, और दूसरे सिद्ध शिला पर दिखाई दे रहे हैं ये है विकल, ये दो तो हो गए परमात्मा, और जो अंतरात्मा थे ये अंतरात्मा में से तीन निकले, एक तो उत्तम मनिराज मध्यम श्रावक और जगन्य गृहस्थ, अभी इनके चर्चा करेंगे क्योंकि मध्यम और जगन्य अपने देखा नहीं ना, तभी ख्याल में नहीं आएगी बात, हाँ। और फिर जो बहिरात्मा है, अब बहिरात्मा को कैसे प्रदर्शित करते कि ये बहिरात्मा है, अब कांच में देखने वाले बहिरात्मा थोड़ी ना होते, क्या अंतरात्मा कांच में नहीं देखते होंगे क्या, लेकिन ये ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ये मैं हूं जो दिख रहा है, जो दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण में दिखाई देने वाला तो मैं हूं,
नहीं दिखा आपको बहिरात्मा राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर का सबसे ऊपर वाला चित्र है, कांच में देख रहा है। आज देखा है सब चीजें, आज नई नई देखोगे जो भी इसमें चलेंगी। देखो आप बहिरात्मा पहले से देखा हुआ होता तो आप कहते थे तुम क्या चला रहे हो, हमने कई बार पढ़ ली है ना। देखो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, तीन प्रकार के आत्मा बतला दिए, तीनों प्रकार के आत्माओं को प्रदर्शित करने वाले बहुत सुंदर चित्र बतला दिए। अब इसका स्वरूप एक एक लाइन में कितना मार्मिक स्वरूप बतला दिया है, मतलब देखो आप किसी भी चीज को संक्षेप में कहना ये बहुत बड़ी कला है, माने उसको सार रूप में कहना उतना ही ज्यादा कठिन काम है। विस्तार देना तो बहुत सरल है, उसमें क्या है, मैं यहाँ रोजाना बैठ करके प्रवचन करता हूँ तो मुझे कुछ उपयोग नहीं लगाना पड़ता, मैं तो ठीक है तो रूटीन है, कोई बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। और यदि मेरे को कहीं एक दिन एक व्याख्यान करना होता है तो फिर उपयोग लगाना पड़ता है, क्या बोलना, क्या विषय लेना, तो दस दिन के लिए दस लक्षण में यदि जाना है तो मेरे को सोचना पड़ता है क्या विषय लेना चाहिए, वहां समाज कहती है। चार दिन शिविर में यदि प्रवचन करना है तो सोचना पड़ता है कि यार यहाँ क्या विषय ले रहे हैं अपन, और यहाँ तो क्या करना है, क्या विषय लेना है, आगे जो चलेगा तो चला ठीक है। अभी एक घंटे प्रवचन के लिए सोचना पड़ता है, और किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम्हारे पास में माइक पर बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, तुम 5 मिनट में बतला दो, तो 5 मिनट में कोई कहानी लेकर के थोड़ी ना बैठेगा, उनको सार कुछ बात बतलानी पड़ेगी, जो उदाहरण भी आ जाए, रोचकता भी बनी रहे शॉर्ट में, और सारभूत बात भी बता दे, ये दौलत राम जी की विशेषता है। मतलब अंतरात्मा का स्वरूप भी बता दिया, जगन ने मध्यम और उत्तम तीनों प्रकार के अंतरात्माओं के भेद भी बता दिए, तीनों की परिभाषाएं भी हुई। जैसे देखिए उत्तम अंतरात्मा की एक लाइन पढ़ी अपन ने, और उस एक लाइन के अंदर किस तरह से कसा हुआ उसका स्वरूप बता दिया, कहीं इधर उधर होने की संभावना नहीं है, ऐसा ऐसा स्वरूप प्रदर्शित किया है। बोलो आपसे यदि पूछे, अभी दौलत राम जी की पंक्ति नहीं पढ़ो, और आपसे पूछे कि उत्तम अंतरात्मा का स्वरूप बताओ, आप एक लाइन में बता ही नहीं सकते, व्याख्या करके तो खूब बता दोगे, खूब लंबी चौड़ी व्याख्या करें, हमको एक ही लाइन में बतलाना है आपकी, वो एक लाइन के अंदर आप उत्सुक हो जाओगे, आप क्या बताना है, कौन बताए कैसे। विस्तार से बताना आसान होता है, ठीक है, आप समझ में आई कि मैं प्रवचन करता हूँ तो कितना आसान है। विस्तार करने क्या है उसके बारे में, देखिए आप माध्यम कौन है, सत्यनारी कौन से दो देव, चंवल ढूंढे हैं तो दिखाना उनको नहीं है, अब देखो फिर वही गड़बड़ हो रही है ना, दिखाना है अनंत परमात्मा को, देख रहे हो देवों को, ये चक्कर हो जाता है, इसलिए गाइड की जरूरत है। जब पता नहीं आप किस चीज को देखोगे, बहुत सारे चित्र होते हैं ना, तो फिर उनमें क्या चीज देखो आप, अभी ये जो चंवल ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको देव नहीं देखना है, इनमें आपको चंवर दिखाई दे रहा है, अरे बहुत होते हैं, कोई भी हो अपने को क्या मतलब, नौकर कौन सा है आपके यहाँ, बिहारी है कि नेपाली है, कोई भी हो उससे क्या लेना देना है, हमारे काम करने वाले परिकर है उनका, अरंग परमात्मा का पुण्य का योग है, साथी से पुण्य का उदय है, ऐसा योग उनके दिखाई देता है, 64 चंवर ढूंढते हैं, यहाँ दो ही दिखा रखे, इधर 64 क्यों नहीं दिखाए, दिखाए कैसे ये बताओ चित्र में। हाँ इसे हीन जाति के देव होते हैं सब, है ना, लेकिन जो उत्कृष्ट भी होते हैं वे भी इसी तरह से चरणों में पड़े रहते हैं, है ना, भक्ता हमारे प्रंत मौली मणि प्रभाणा, जो है वो तो उत्तम जाति के देव भी अरंतों के चरणों में ऐसे ही होते हैं, वो गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा देखो सामान्य जाति के नौकर चाकर ऐसे देव तो इंद्रों की भी आकर के भक्ति करते हैं, वो इंद्रों की भक्ति करते हैं, लेकिन इंद्र भी जिनकी भक्ति करते हो, देवा भी तम तम संति तप्त धम्मे सयामणो, है ना, ये दशमे कालिक के गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तपो, देवा देवो भी तम नमन संति तप्त धम्मे सयामणो, ऐसा दशमे कालिक ग्रंथ है, अंग बाह्य के अंतर्गत उनकी गिनती है,
और अपने यहाँ दिगंबर परंपरा में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में दशवें काली ग्रंथ है, उसका अस्तित्व है, वर्तमान में मानते हैं उसको, उसमें ये है दशवें काली। हमारे कोर्स में था दशवें काली का परिचयात्मक अध्ययन, ऐसा उत्तराध्यायन का परिचयात्मक अध्ययन इस तरह से, तो उसके शायद मंगलाचरण है। और ये मैंने कहीं पता नहीं कौन से तीर्थ क्षेत्र पर, अपने भूलिया में तो इतनी जगह जाते हैं ना, किसी क्षेत्र पर मानस स्तंभ के नीचे इस तरह की पंक्ति पंक्तियां दोनों मैंने लिखी हुई देखी, कहीं दिगंबर जैन मानस स्तंभ, दिगंबर जैन मंदिर मंदिर में, श्वेतांबर दिगंबर का कुछ ऐसा कुछ भेद नहीं है, दशवें कालिक मूल ग्रंथ है और अपन भी उसको अंग बाह्य को स्वीकार करते हैं, और जो बात कही है उसमें सच्ची बात है, उसमें काम आता है। धर्म जो है वो जो मंगल है और उत्कृष्ट उत्तम जो कहा गया है, वो कैसे धर्म को मंगल उत्तम और उत्कृष्ट कहा गया है, अहिंसा संयम सब जिसके लक्षण दिखाई देते हैं, सम्यक रूपी धर्म जिनको जिस सम्यक रूपी लक्षण और धर्म से देव लोग भी उनके चरणों में आकर के झुकते हैं, देव भी जिस धर्म को प्राप्त करना चाहे प्रकट करना चाहे ऐसा धर्म वो असली धर्म है, ऐसे धर्म का स्वरूप बतलाया, उसको नमस्कार किया है वहां। देखिए अपन तो यहाँ मध्यम अंतरात्मा की बात पढ़ते हैं, जगन्य और फिर आगे परमात्मा का स्वरूप कौन है, मध्यम अंतर आत्म देश वृत्ति अनगारी, दो शब्द दे दिए इन्होंने, एक शब्द दिया है देश वृत्ति और दूसरा कहा है अनगारी। अंतरात्मा है, देश वृत्ति हो गए, अणुवृत्ति हो गए, ठीक है ना, जो अणुव्रतों से सहित है, जो अणुव्रतों का पालन करते हैं, प्रतिमाधारी है, वे सब देश वृत्ति है। देश माने आंशिक, देश माने एक फॉल्ट, और व्रति माने व्रत तो है, तो देश व्रति एक फॉल्ट में व्रतों का पालन करने वाले। देश सर्वतोण महती, ऐसा ऐसा सूत्र है तत्वर सूत्र में, देश सर्वतो अणु और महती, देश सर्वतो आंशिक और पूर्ण के अणु और महती, देश का पालन करने वाले अणुव्रति हैं और सर्व रूप से पालन करने वाले महाव्रति हैं। तो यहाँ अणुव्रतियों की चर्चा चल रही है, आंशिक व्रतों का पालन करने वाले वे कौन है, अनगारी, और वे तो देश व्रति तो है ही अंतरात्मा, और अनगारी भी, अनगारी कहते हैं जिन्होंने गृहस्थ को छोड़ दिया है, गृहस्थ दशा का जिन्होंने त्याग कर दिया है वे कहलाते हैं अन आगार, कहते हैं स्थान को, रहने के स्थान को आगार कहते हैं, और अनागारी, आगार जानते हैं, आगार मतलब स्थान देने का, आगार मतलब घर, ठीक है ना, जैसे बसों के पीछे लिखा रहता है आगार, लिखा रहता है ना आगार, आगार मतलब वो कहाँ रहेगी जाकर के, इसका फाइनल जगह कौन सी है, कहाँ जाकर के फिर नहीं चल रही हो तो वहाँ वहाँ पड़ी है, वहाँ है वो उसका स्थान है। तो अनागारी जिनका कोई स्थान नहीं है, जिनका कोई स्थान नहीं है मतलब जिनका कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है, समझ में आ गई बात, अनगारी का मतलब क्या होगा, साहब इनको चिट्ठी डालनी है, कहाँ डालें, चिट्ठी कहाँ डालोगे, तो कहीं रहते ही नहीं, तुम्हारी चिट्ठी पांच सात दिन में पहुंचेगी, तब तक तो दूसरे ठिकाने, आपकी चिट्ठी कैसे पहुंचेगी, दो दिन चार दिन पांच सात दिन से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, रहते ही नहीं है, उनके पास में चिट्ठी कैसे भेजोगे, क्या करें, देश व्रति और अनगारी, ठीक है ना मनिराज। चलिए अब देखिए ये और विशेष बात कि जगन्य अंतरात्मा का स्वरूप तो इन्होंने आधी लाइन में बता दिया, जगन कहे अभिरक्त सम दृष्टि, बस 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 इतना ही। जगन्य अंतरात्मा कौन है, जगन कहे अविरत सम दृष्टि, खत्म। और अब जो ये डायग्राम में बतलाई है कि तीनों शिव मगचारी, तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उत्तम अंतरात्मा शुद्धोपयोगी मुनिराज, मध्यम अंतरात्मा देशव्रति और छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज,
और जगन में अंतर आत्मा अविरत सम्यक दृष्टि, और ये तीनों की तीनों ही मोक्ष मग चारी चारी मतलब चलने वाले तीनों ही उत्तम मध्यम और जगन्य तीनों ही मोक्ष पथ पर चलने वाले हैं। और फिर अंतरात्मा से आगे बढ़कर परमात्मा की चर्चा को प्रारंभ कर दिया कि सकल और निकल परमात्मा दो प्रकार के हैं, उनमें से रहित रहित कहाँ है, क्षेत्र में वो अशुद्ध छप गया होगा। विकल का अर्थ भी कल से जो रहित हो गए हैं, या विकल का अर्थ और दूसरे प्रकार का, हाँ वही विशेष शरीर वाले ज्ञान शरीर है ना, वो विशेष शरीर वाले ऐसे शरीर की जिनके विशेषता है ज्ञान शरीर। चित्र में ऐसा दिया है, कोई बात नहीं। सकल और निकल दो प्रकार के परमात्मा है, और उनमें से जिन्होंने घातिया कर्म का निवारण कर दिया है वे अरहंत परमात्मा है, वे सकल परमात्मा है, और वे संपूर्ण लोकालोक को निहारने वाले हैं। इस तरह से बहिरात्मापन अज्ञा नहीं है, अंतरात्मा होने योग्य है और परमात्मा प्रकट करने योग्य है, ये बात भी ये आगे वाले शब्द में कहेंगे। अपन इसकी चर्चा फिर कल आगे देखेंगे, आज की चर्चा अपन में आइए। जिनवाड़ी पार्टी तो ये पूछ रहे हैं।
Gracias.